सच्चे। बोट से मच्छियों को निकलते हुए देखना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, बहुत जबरदस्त। अफजल व्लॉग्स। तो कितना बोल रहे हैं आप? 1200। 1200 रुपए में तीन काफी बड़े बड़े हैं। ये 300 रुपए का होगा। और ये बड़ी बड़ी मछली है, कम से कम कितनी वेरायटी मछली मिलते हैं इधर होलसेल में? ले रहे हैं रावस बड़ी वाली और बड़ी वाली पापलेट है। दो बड़ी बड़ी पापलेट है और ये देखिए दो रावस है, वो 350, ये 700, 1000 रुपए का पूरा। एक हजार रुपए में इतना सारा? नहीं, बीस दीजिए। 800 रुपए। देखो इतनी सारी बंगड़ा है, ये भी 400 रुपए का। 700 रुपए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ मुंबई के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिश मार्केट में, ससुन डॉग फिश मार्केट, जो मुंबई के कुलाबा इलाके में है। और मेरे साथ में आप देख रहे हैं कि ये हमारे कज़न भाई हैं जो गांव से आए हैं, आंध्र प्रदेश से, और उनको मच्छी का मार्केट ये घूमना था क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटी मोटी मच्छी मार्केट होती है। इतना बड़ा मच्छी मार्केट कभी देखे नहीं थे, तो लेके आ गया हूँ मैं यहाँ पे। और हम साथ में घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे, कुछ ऑक्शन दिखाएंगे, बोट से मच्छी निकलते हुए भी दिखाएंगे, रेट भी पता करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी कोई मेरे चैनल पर नया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मच्छियाँ आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुंबई में आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हो ना, वहाँ से ट्रेन ले लीजिए और पहुँच जाइए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक स्टेशन के सामने से ही आपको टैक्सी मिल जाएगी, 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको आ जाएगा ससुन डॉक। ये देखिए, ये है ससुन डॉक जो कुलाबा इलाके में। तो चलिए अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं पूरा ये फिश मार्केट। ये देखिए पूरा ये फिश मार्केट। अभी सुबह के करीब करीब 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे के टाइम पे ये देखिए सारी की सारी फिश ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिश आती है आज, क्योंकि 2 तारीख है, यानी कि 2 जनवरी 2024 का, तो आई थिंक थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत फिर भी बहुत सारी फिश यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये देखिए बांगड़ा मच्छी है यहाँ पर, ये देखिए ये पूरी बांगड़ा मच्छी है। ये लोग जो है आपके घर के आसपास जो बेचने वाले होते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ से होलसेल में लेते हैं और आसपास के छोटे मोटे मार्केटों में जाते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास लेकर आते हैं मच्छी बेचने के लिए, तो ये वो सारे हैं जो होलसेल में यहाँ से लेते हैं और फिर रिटेल में घर के आसपास छोटी मोटी मार्केटों में लेकर जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी मच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। देखिए ये भी बांगड़ा मच्छी जो अभी बोट से उतरी है, पर यहाँ पर इनका ऑक्शन भी हो रहा है। मिलेगा नहीं, आगे जाएगा 1500-1600 बोले। तो कितना बोल रहे हैं आप? 1200। 1200 रुपए में तीन काफी बड़े बड़े हैं। ये 700 रुपए हैं, इतने बड़े बड़े हैं, 700 रुपए बोले, 700 रुपीज में। भाई बोट से भी मच्छी निकलते हुए भी देखने को मिल रही है। देखिए कितनी सारी मच्छी है यहाँ पर बोट में। देखिए झींगा है और वो देखिए आई थिंक डोमा है ना, डोमा और झींगा है यहाँ पर। देखिए फ्रेश फ्रेश मच्छी ये देखिए सामने यहाँ से निकल भी रही है। ये देखो भाई मच्छियों को निकालते हुए देखने का भी मज़ा कुछ और ही होता है भाई, खाने का मज़ा तो अलग है। वो जैसे उसके अंदर में जमा करते हैं और फिर वहाँ से निकाल के फिर यहाँ पर आता है, क्योंकि काफी दिन तक इनको अंदर पानी में रहना पड़ता है। और ये हलवा मच्छी कितनी बड़ी बड़ी मच्छी है, और वो वाली देखो कितनी बड़ी बड़ी मच्छी है। ये सब बड़ी बड़ी मच्छी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक से बढ़कर एक मच्छी, पूरा लाइन से आपको मच्छी मच्छी देखने को मिलेगी यहाँ पर। सुबह आना है आपको, जल्दी आना है, तभी ये सारी मच्छियाँ देखने को मिलेगी, बोट से मच्छियाँ उतरते हुए देखने को मिलेगी। क्लीन करके खाते क्या? क्लीन ही चलते हो तो कब तो खाया? एक बार तो एक बार खाया, मेरे को मज़ा नहीं आया।
कितने की रहेगी भाई ये? साढ़े चार सौ। अच्छा, और वो केकड़ा? 700 रुपये में वो पूरा केकड़ा। अरे ही हलवा 2000 ची दोन यानी 2000 रुपये की दो है, बड़ी है, फ्रेश तर आहे। यही वो बांगड़ा ही है ना, बड़े है। हाँ, कैसा ये पूरा? अगर ये 1000 रुपये का पूरा, क्या कितना रहेगा इसमें? 7-8 किलो? 9 किलो। 9 किलो? अच्छा, 1000 रुपये की है। हाँ, और वो वाली कौन सी है? पातेरी। वो भी पूरी लेनी पड़ेगी। पातेरी रोटी सुरमई है ना ये सब? तो कितने का देंगे ये पूरा? 1000 रुपये की। 7-8, यानी ये दोनों कोई भी 1000 रुपये का? ये नहीं, ये 1300। थोड़ी बड़ी है ये, 1300 रुपये की है ये पूरी। अच्छा, ये देखो ये 1500 रुपये में दे रहे हैं रावा से बड़ी वाली, और बड़ी वाली पापलेट है, दो बड़ी बड़ी पापलेट है, और ये देखिए दो रावा सर। अल्फिश, लाल मच्छी, लाल मच्छी, एक नंबर आती। लेकिन पूरा लेना पड़ता है ना? आधा ले, पूरा ले। पूरा कितने का है इसे? 1000 रुपये का पूरा? 1000 रुपये में इतना सारा? नहीं, कोई 15 किलो, 20 किलो? हाँ, 20 किलो के आसपास है। ये देखिए रानी मच्छी है, रानी मच्छी है। ये काटे होते ना बीच में? ये नॉर्मल नॉर्मल काटे होते इसमें, रानी मच्छी। ये कौन सी है? ये वो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मर गई है। हाँ, वो तो ऑक्टोपस है। ये भी खाते हैं? बड़े बड़े हैं ना। ये बांगड़ा है, और ये काट बांगड़ा, ये काला बांगड़ा है, काट बांगड़ा, काट बांगड़ा है, ये नॉर्मल बांगड़ा है, ये वाला। हाँ, वो भी दूसरे आए। ये भी ऑक्टोपस, और ये वाली मछली है देखो, बड़ी वाली। ये काट बांगड़ा बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक बांगड़ा, काट बांगड़ा। Don't open.
पूरा टोकरा लेना पड़ेगा क्या? पूरा लेना पड़ता है? ये काला बांगड़ा है ना? कैसा है ये पूरा? 400 रुपए का। वो भी चार बांगड़ा ही है ना? लेकिन ये पूरा टोकरी लेना पड़ेगा क्या? कितने का? 900। नहीं वो तो ठीक है, बहुत ज्यादा भी है ना। ये भी बांगड़ा ही है ना? बांगड़ा क्या बात है भाई, देखो इतने सारे बांगड़ा है, ये भी 400 रुपए का है। ये देखो भाई वाम मच्छी देखो, बड़ी बड़ी काली वाम। और वहाँ पे देखो वो एक मच्छी का बोली लग रही है, बड़ी वाली, वो काफी महंगी भी मच्छी होती है। ये टोल, ये ऑक्टोपस कर दी है, नहीं करे है, नहीं करे, पूरा चिकनापन जा रहा था इसमें। टोल मच्छी, ऑक्टोपस, सारे मच्छी है यहाँ पे। पातरानी झिंगे यहाँ ऑक्शन में लेना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जिसको भी थोड़ी सी ज़्यादा मच्छी चाहिए वो नीलामी में अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रेट में, काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और बहुत ज़्यादा नीलामी एवरी डे होती है, हर दिन, और जो भी उस दिन की मच्छी ज़्यादा मतलब सीजनल आती हुए वो सब की नीलामी यहाँ पर होती है। और ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि मच्छियों का ऑक्शन नीलामी कैसे होती है, आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाया हूँ आज, लेकिन अच्छा लगता है भाई, ये देखने में भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे आपको रिटेल में अगर थोड़ी कम मच्छी चाहिए तो वो भी मिलती है, ये सब जो ताई है ये लोग रिटेल के हिसाब से भी रखी हुई हैं, और वो भी थोड़ा सा लेकिन आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है, भावता बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तभी जाके आपको थोड़ा अच्छे रेट में मिल जाती हैं रिटेल में भी। लेकिन वेराइटी ऑफ फिश बहुत अच्छी अच्छी बहुत ज़्यादा वेराइटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, काफ़ी ज़्यादा वेराइटी की फ़िश है। बड़ी वाली सुरमैया बड़ी है, ये कितने की होगी बड़ी वाली? 3,500 की है, उससे ज़्यादा है। 700 देगा तो बोल फटाक से दिया ही पैसा चली घर पे। दोनों का 2,200 रुपये। ये देखो वो लॉबस्टर, ये झींगे थे बड़े वाले झींगे होते, वो लॉबस्टर ये कैसे दिए ताई? लॉबस्टर कैसा, मतलब पीस के हिसाब से दे रहे हैं कि कैसा दे रहे? कैसा दे रहे? कैसा? 300 रुपये। अच्छा ऐसा वाटा से है?
ये 300 रुपये का होगा और ये वाला 600 रुपये। एक किलो है क्या वो? ज़्यादा है। और ये वाले आते देखो, बड़े वाले 1200 रुपये, 300 रुपये। टाइगर प्राउन से भी बड़े वाले हैं वो। कितने का होगा ये? 700 वाले। और वो छोटे वाले जो है ये 350, वो 350, ये 700। कितने बड़े बड़े ना भारी। बोट से मछलियों को निकलते हुए देखना ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश फिश। अफजल व्लॉग्स, अफजल व्लॉग्स। ये देखिए किस तरह से ये लोग बोट से मछलियाँ निकाल रहे हैं। ये बाकली है ना? स्क्विड, स्क्विड, हाँ स्क्विड। तो माकली भी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? छोटी होती है ना उसको बोलते, छोटी होती है उसको वोकली बोलते हैं। ये स्क्विट है, ये देख लीजिए, ये स्क्विट मच्छी है। निसार भाई हमारे आंध्र प्रदेश से आए हैं और ये घूमने के लिए आए हैं कि ससुन डॉग जो मच्छियाँ कैसे निकलते। तो कैसा लगा आज इधर पे देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम बड़ी बड़ी मच्छी है, कम से कम कितनी वेरायटी मछली मिलते हैं इधर होलसेल में। हाँ देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा क्या कहते हैं, क्योंकि वो गांव साइड में शायद उतना बड़ा मच्छी मार्केट तुम्हारे है ही नहीं ना? गांव में तो सिर्फ 1-2-3 रकम की मिलते हैं। अच्छा 2-3 रकम के, इधर तो काफी वेराइटीज है, बहुत अच्छी वेराइटीज मिलते हैं इधर। बहुत वेराइटी देखने को मिली तो अच्छा लगा ना ये मार्केट देख के, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई देखिए, ये आंध्र प्रदेश से आए हैं हमारे कजन है निसार भाई और घूमना चाहते थे तो मैं आज लेके आया यहाँ पर। ससुन डॉग घूम रहे हैं आज, मजा आया ना? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलो जिंदगी में इतनी वेरायटी से पहली बार देखा। अच्छा मतलब इतना वो तो फिर भी आज कम है, नहीं तो बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे मच्छी। अच्छा तो दोस्तों देखा आपने काफी सारी फिश हमने आपको दिखाई यहाँ पे, तो बोली भी लगते हुए दिखाई, ऑक्शन होते हुए भी दिखा, जितना हो सकता है हमने दिखाया। और आज बहुत ज़्यादा फिश नहीं आई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मच्छी नहीं आई है, लेकिन वैसे क्योंकि साल का पहले 2 तारीख है ना, तो बहुत सारे लोग जो है घर पे आ गए हैं, बोट उतनी गई नहीं है तो उतनी ज़्यादा मच्छी नहीं है, लेकिन वैसे नॉर्मली यहाँ पर रोज़ बहुत मच्छी आती है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जो लोग नए हों। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।